भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय महतारी ब्यूटी सोप। फतेहपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत बड़ी बतराहन के चमोली वार्ड 6 में फतेहपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया द्वारा लगभग 18 लाख रुपए की राशि सीमेंट कंक्रीट डंगे नालियों के लिए स्वीकृत हुए थे, जिसमें 3 ठेकेदारों को 700 मीटर का टेंडर हुआ था, परंतु विभाग की नजरअंदाजी से और ठेकेदारों की लापरवाही से पिछले 2 महीनों से काम को अधूरा छोड़ा गया हुआ है। और जैसे अब बरसात का मौसम शुरू हो गया है, जिस कारण मार्ग पर बिछी हुई मिट्टी दलदल में तब्दील होती हुई परेशानी बन रही है, तो वहीं आए दिन रोज यहां पर रागीर गिर रहे हैं और गांववासियों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क पर 2 फुट के करीब मिट्टी का बलवा गिरा हुआ है। पंचायत के स्थानीय लोग और बाढ़ सदस्य आरती शर्मा और बीडीसी सदस्य तमन्ना आदि का कहना है कि लोक निर्माण विभाग को कई बार इस समस्या बारे में अवगत करवा चुके हैं, पर विभाग के कान में जो तक नहीं रेंग रही है। पता नहीं विभाग किस अनहोनी का इंतजार कर रहा है। वहीं बीडीसी तमन्ना ने विभाग को चेताया कि अगर समय रहते इस सड़क का जो अधूरा कार्य नहीं करवाया गया तो फतेहपुर लोक निर्माण कार्यालय में जाकर धरना दिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी विभाग की होगी। वहीं इस बारे में जब लोक निर्माण सब डिवीजन रहन की जय पवन बैन से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि 1-2 दिन में अधूरा कार्य और जो रास्ते में मलबा पड़ा हुआ है उसको उठवा दिया जाएगा और ठेकेदारों पर भी कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस बारे में जब विभागीय अधिकारी रोशन लाल अत्री के साथ फोन पर बात की गई, तो उन्होंने कहा कि समस्या उनके ध्यान में आई है, बस संबंधित जेई को उक्त मार्ग की स्थिति जल्द सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। जो विधायक निधि द्वारा यहाँ पे काम लगा हुआ था, तो कुछ ठेकेदार जो कि काम अधूरा छोड़ के चले गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिट्टी वगैरह भी पड़ी हुई है और चलने के लिए भी दिक्कत आ रही है। तो हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इस मिट्टी को उठाया जाए और हमारा समाधान किया जाए। ये जितनी मिट्टी पड़ी है इसको उठाना चाहिए। रोज लड़के डिग रहे हैं और बुजुर्ग भी डिग रहे हैं इधर, तो बच्चे भी, तो चलने के लिए ये बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए यहाँ से ये जो मिट्टी है नीचे गिरी हुई है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको साफ करवाना चाहिए। यहाँ पे बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, बाइक वाले नीचे गिर रहे हैं, कुछ बूढ़े भी नहीं चल पा रहे हैं। यहाँ पे खेतों का रास्ता है, चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये रास्ता पहले कैसे हुआ करता था? पहले तो अच्छा था ये रास्ता। तो फिर ये कब से खराब है ये रास्ता? अभी 2 मंथ से ये खराब है और ये बारिश की वजह से और ज्यादा खराब हो रहा है। कृपया इसे ठीक किया जाए जल्द से जल्द। हाँ, ये है कि ये बतराण से चमोली गाँव के लिए एक रास्ता बना है जो MLA के फंड से पैसा बना था, और उसमें 2 ठेकेदारों ने काम शुरू किया और काम पूरा अधूरा छोड़ के चले गए। यहाँ हालात ये एक जो पहले से भी ख़राब हो गया है, और जहाँ ना कोई गाड़ी चल सकती है ना बंदे पैर चल सकते हैं, बारिश होने के बाद यहाँ तो इतनी हालत खस्ता है, कई बार लोग गिर चुके हैं, वो चोटें आ चुकी हैं। तो हमारे विभाग से ये प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको ठीक किया जाए और जो बचा हुआ कार्य है उसको पूरा किया जाए। बहुत धन्यवाद। तो मिट्टी फैली हुई है, लोग कहीं आते जाते गिर रहे हैं, कोई व्हीकल वाले बच्चे आते हैं कभी वो गिर रहे हैं, तो बुजुर्ग वगैरह उनको चलने में तकलीफ हो रही है। जैसे लोगों ने अपनी ज़मीनें वगैरह भी दी हुई हैं, रास्ते का काम ढंग से चला हुआ था, पर पता नहीं ठेकेदारों की मतलब कि लापरवाही से काम अधूरा छोड़ के वो चले गए हैं। तो अगर 2 दिन के अंदर हमने इनको समय दिया है, अगर 2 दिन के भीतर अगर ये नहीं करते हैं कुछ भी, तो हम विभाग का घेराव करेंगे फतेहपुर में आके। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए फतेहपुर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। Oh,